इस दिए हुए जानकारी के बेसिस पे हमें उस टेबल का लेंथ और विथ पता करना है अब जो हमने सिचुएशन इमेजिन की थोड़ा उसको ड्रॉ करके देखते हैं कि वो टेबल एक्चुअली में कैसा दिख रहा है लेट से कि ये जॉनी का बहुत बड़ा सा टेबल है इसे हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ ये हो जाएगी इस टेबल की लेंथ क्योंकि लेंथ जो है वो विद से बड़ी हुई है ऐसा दिया हुआ है तो लेट्स से ये हमारी लेंथ है लेंथ अब ये और ये बराबर होंगे तो ये भी हमारा लेंथ हो जाएगा ये हमारा विथ हो जाएगा विथ और ये और ये बराबर होंगे तो ये भी हमारा विथ हो जाएगा लेट्स से कि हम विथ को डब्लू से डिनोट करते हैं और लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं अब हमें क्या दिया हुआ है वो देखते हैं पेरीमीटर 20 मीटर्स है यानी क्या कि ये लेंथ प्लस सेम लेंथ प्लस ये विथ प्लस सेम विथ 20 मीटर्स के बराबर है तो इसे लिख लेते हैं एल प्लस एल और प्लस विद प्लस विद इस चारों का जो सम है वो हमारा 20 के बराबर है और एरिया 24 स्क्वायर मीटर्स है यानी क्या कि लेंथ टाइम्स विद लेंथ टाइम्स विद जो है लेंथ टाइम्स विथ वो जो है हमारा 24 के बराबर हो जाएगा अब हमको दो ऐसे नंबर्स चाहिए एक्चुअली में दो ऐसे होल नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 24 हो जैसे फॉर एग्जांपल 8 की टेबल में 24 आता है 8 थ्रीजा ट्वेंटी फोर एट थ्रीजा ट्वेंटी होता है लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी और ट्विस्ट ये है कि इन दोनों वैल्यूज को जैसे अगर हम एट और थ्री लें तो एट हमारा लेंथ हो जाएगा और विथ हमारा थ्री हो जाएगा तो इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना होगा क्योंकि उसकी पेरीमीटर भी हमको चेक करनी है तो क्या एट प्लस एट प्लस थ्री प्लस थ्री रखने पर ट्वेंटी आएगा वो चीज भी हमको वेरीफाई करनी होगी तो हम क्या करेंगे अब कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम सारे वैल्यूज को एक एक करके चेक करते जाएंगे तो सबसे पहले इसको यहां से मिटा देते हैं लेट से यहां पे हम लिखेंगे अपनी लेंथ ये हो जाएगी हमारी लेंथ, लेंथ। उसके बगल में हम लिख देते हैं अपनी विथ देखेंगे कि उसका पेरीमीटर क्या आ रहा है पेरीमीटर क्या आ रहा है और एरिया तो हमें पता ही है क्योंकि उसी के बेसिस पे तो हम लेंथ और विथ कैलकुलेट करेंगे एरिया हमारा 24 हर जगह है वो आना चाहिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं मान लो हमारा लेंथ ट्वेंटी फोर हो गया और विद वन हो गया अब इसको हम इस पहले वाले इक्वेशन में डाल के देखते हैं कि क्या इसका सम ट्वेंटी आएगा तो ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फोर प्लस वन प्लस वन ये हो जाएगा फोर्टी एट प्लस टू फिफ्टी तो पेरीमीटर हमारी फिफ्टी आ जाएगी जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारी पेरीमीटर तो ट्वेंटी है तो ये हमारा गलत हो जाएगा अब सोचते हैं कि और किसके टेबल में ट्वेंटी फोर आता है तो टू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि विद हमारा अगर हम दो मान लें और लेंथ ट्वेल्व मान लें तो ट्वेल्व टू जॉ ट्वेंटी और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 12 लेंथ में क्यों लिखा तो जैसा कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि द टेबल इज लॉन्गर देन इट इज वाइड टेबल की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से बड़ी है इसलिए इसकी लेंथ 12 और विथ 2 होगी अब इसकी पेरीमीटर देखते हैं तो 12 प्लस ट्वेल्व प्लस टू प्लस टू यानी कि 12 प्लस ट्वेल्व हो गया 24, 24 प्लस फोर हो गया 28। लेकिन हमको तो पेरीमीटर 20 चाहिए ये भी हमें सेटिस्फाई नहीं करेगा कुछ और सोचते हैं 3 के टेबल में 24 आता है हाँ थ्री एट सा ट्वेंटी होता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 और ये हो जाएगा हमारा 3। अब देखते हैं कि ये पहले क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं तो एट प्लस एट हो गया सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस थ्री हो गया नाइनटीन और नाइनटीन प्लस थ्री हो गया ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू लेकिन हमें क्या चाहिए ट्वेंटी चलो एक चीज तो अच्छी है कि हम ट्वेंटी के बहुत नजदीक आते जा रहे हैं लेकिन अभी भी ट्वेंटी तक नहीं पहुंचे हैं मे बी अगला सिक्स सिक्स पे ट्राई करते हैं सिक्स फोर ट्वेंटी फोर तो लेट्स टेक इट सिक्स और विद हम फोर ले लेते हैं तो सिक्स फोर अब यहाँ पे सेटिस्फाई करके देखते हैं सिक्स प्लस सिक्स हो गया ट्वेल्व प्लस फोर प्लस फोर सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस फोर हो गया ट्वेंटी तो हमारी पेरीमीटर ट्वेंटी आ गई जो कि हमें चाहिए थी यानी कि ये वैल्यू सही है और एरिया तो हमारा सिक्स फोरज ट्वेंटी फोर होगा ही जो कि हर केस में एक्चुअली हो भी रहा है तो यहां से हमें पता चल गया कि हमारी लेंथ जो है वो सिक्स मीटर्स है और जो हमारी विथ है वो फोर मीटर्स है